आपके साथ। प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश पर हुए हमले के खिलाफ प्रगतिशील सामाजिक संगठनों ने नागरिक मंच के बैनर तले प्रतिरोध मार्च निकाला। यह मार्च अंबेडकर सदन से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों में भ्रमण किया। अंत में सभा के तौर पर सभी एकजुट होकर सम्मिलित हुए। बीते दिनों झारखंड के पाकुड़ में हुए स्वामी अग्निवेश पर हमले के खिलाफ पूर्णिया के बुद्धिजीवी वर्ग एक साथ सामने आए। देश के प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश पर भाजपा के युवा मोर्चा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ लोगों ने हमला कर प्रगतिशीलता पर लगाम लगाने की कोशिश की है, जिसकी निंदा करते हुए आज जिला के विभिन्न संगठनों ने एकजुट होकर नागरिक मंच का बैनर बनाया और नागरिक प्रतिवाद मार्च निकाला। इस मंच में भाकपा माले, वाम दल तथा अन्य राजनीतिक सामाजिक संगठनों ने भागीदारी निभाई। प्रतिरोध मार्च के बाद लगाए गए सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर आलोचना हुई। सरकार के 4 साल में झूठे वादों का पिटारा भी खोला गया, जिसमें कहा गया कि मोदी राज का 4 साल जनता से किए गए सारे वादे को तार तार करते हुए जनता के विभिन्न तबकों, छोटे किसानों, मजदूरों, नागरिकों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों पर हमला और हत्याओं का बाढ़ ला दिया है। शहर के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग इस बात को कहने से नहीं कतरा रहे कि भाजपा के लोग प्रगतिशील समाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां आए दिन सरकार के खिलाफ जो भी इस राह पर नजर आता है, भाजपा के लोग उन्हें रोक लगाने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग नागरिक मंच और भाकपा माले के द्वारा प्रतिवाद मार्च निकाले हैं कि झारखंड के पाकुड़ में परसों जो है आपको स्वामी अग्निवेश पर भाजपा के कुछ पालतू गुंडों के द्वारा जानलेवा हमला किया गया, जो एक प्रायोजित था। वहां का जो प्रशासन है उनका भी समर्थन था ये आक्रमणकारियों का, और वहां एक मंत्री सीपी सिंह जी हैं जो खुलेआम जो लोग हमला किया है उसके पक्ष में वो खड़े हैं। इस प्रकार जो है पूरे झारखंड में या पूरे देश में भाजपाइयों के द्वारा खुला नंगा नाच किया जा रहा है, और भाजपा जो है बेशर्म के जैसा ये मॉब लिंचिंग के साथ खड़ा है। ये जो भीड़ तंत्र के साथ खड़े हैं और जिसको जहां होता है कानून हाथ में लेता है और ये सरकार उसको भीतर से मदद करता है। इसलिए हम लोग पूरे पूर्णिया के जो बुद्धिजीवी और प्रगतिशील लोग हैं, सारे लोग ऐसे घटना का निंदा करते हैं और भविष्य में ये चेतावनी देते हैं कि ये भारत देश लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसी पर जबरन अत्याचार करना, विरोध का ये रूप नया रूप निकाला गया है। जबकि विरोध पहले भी यहाँ हुआ करते थे, काला झंडा दिखाया जाता है, मुर्दाबाद किया जाता है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं किया गया है कि जान मारने पर उतारू हो जाए। ये तो कानून को हाथ में ले रहे हैं। इसलिए हम लोग ये करते हैं कि वहाँ के DM SP को मुअत्तल किया जाए और वहाँ के जो मंत्री हैं झारखंड के सीपी सिंह उसको पद से और इससे उसको हटाया जाए, ताकि कोई भी आदमी ऐसा गलत काम नहीं कर सके और हमारा भारत देश प्रेम और सौहार्द का जो पहले से है वो बना रहे। क्या रणनीति रहेगा? ये हम लोग आज खुलेआम पूरे बिहार में हर जिला मुख्यालय में ये हम लोगों का पार्टी का व्यवमान था, और यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, अम्बेडकर विकास मंच के लोग हैं, आपको भारत मुक्ति मोर्चा के लोग हैं, बहुत संगठन के लोग हैं जो हमारे साथ हैं और इस मुद्दे पर जो है सारे लोग दुख प्रकट कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, और आगे भी हम लोग ऐसा अगर होता है पुनः तो हम लोग इस पर रणनीति बनाएंगे और वहाँ जो लोग दोषी है उसको कड़ी से सजा दी जाए, उसको जो है तुरंत जेल में बंद कर उस पर SPD ट्रायल चलाया जाए। आज 2 दिन पूर्व भारत के महान सामाजिक कार्यकर्ता जो गरीबों, आदिवासियों, दलितों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने में हर हमेशा आगे रहते हैं स्वामी अग्निवेश, ये आदिवासियों की सभा को संबोधित करने के लिए पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा जा रहे थे, और वहाँ पर स्थानीय RSS के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नेतृत्व में उन पर उन्होंने जानलेवा हमला किया और इस तरह की कार्रवाई आदिवासी और खासकर जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, मुसलमानों के खिलाफ इनका शुरू से अभियान रहा है, उसके आदिवासियों के नस्ल को
के लिए, आदिवासियों की पहचान को समाप्त करने के लिए, वनवासी के नाम पर, हिंदू के नाम पर, राम के नाम पर, ये तमाम गरीब लोगों का ये दुश्मन है। और इस तरह के संगठन के लोग आए दिन इस देश में, भारत में तरह तरह की कार्रवाई, भगवा झंडा गले में लेकर गुंडागर्दी खुलेआम सड़क पर कर रहे हैं, और बड़े बड़े जो हम काम इस तरह एसएस के गुंडे के इशारे पर ये तमाम लोग हो रहा, तमाम कार्रवाई हो रही है। इसलिए आज प्रतिवाद मार्च में हम लोगों का भी, जो प्रगतिशील लोग हैं, जो संविधान में आस्था रखते हैं, भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था रखते हैं, में शामिल होकर इस आरएसएस के गुंडों को ये बता देना चाहते हैं कि अब तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, और तुम गुंडागर्दी कर रहे हो, हमारे भी गरीब लोग, पिछड़े लोग, दलित लोग, आदिवासी लोग, मुसलमान एकजुट हो रहे हैं। और आज कि जो वहां के मंत्री खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, उन्होंने जो जो के ऊपर जो गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, उस व्यक्ति को उस मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और उसके ऊपर एफआईआर हो, उसकी गिरफ्तारी हो। यही आज के प्रतिवाद मार्च का हमारा डिमांड है।